हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नाथ बायोजेंस। ये मेरे पोर्टफोलियो से है शेयर, और ऑलरेडी मैं जैसे बताता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अलावा मैं किसी शेयर के बारे में बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं जिसमें इन्वेस्टेड हूँ उसी के बारे में बात करूँ तो लोग भरोसा करें, ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं उनको मेरा पोर्टफोलियो बताऊँ और मेरा पोर्टफोलियो कैसा वर्क करता है ये भी दिखाऊँ, तो वही चीज़ आपके लिए भी काम करेगी, ठीक है, ना कि मैं कोई और कंपनी का और कोई भी शेयर बताऊँ और जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट ना करूँ, वो चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही एक शेयर है मेरे जो पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, वो है नाथ बायोजेंस, जिसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको कंपनी का डिटेल में पता चले कि कंपनी करती क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा है आगे या नहीं है, ये आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो जैसे मैंने ओपन किया तो इसके वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कपास दिखा रहा है, कॉटन सीड्स है, यहाँ पे वन सीड मेनी लीव्स, ठीक है, ये है, और यहाँ पे टोमेटोज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या और ये लिखा हुआ है कि हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फार्मर अनेबलिंग फार्मर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इनके ये प्रोडक्ट जो है और जो सीड्स है, इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, और ये फार्मर के लिए ये अच्छी कंपनी है जो उनकी प्रोडक्टिविटी में अच्छा खासा हेल्प करती है, ठीक है। और यहाँ पे इनको देखो 40 साल कंप्लीट हुए इस बिज़नेस में, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको ये चीज़ का, ये काम का, ये बिज़नेस का। और ये 1979 से है ये कंपनी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको बताया गया है कि ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फॉर्मिडेबल सीड फर्म इन इंडिया, पुरानी कंपनी है ये और अच्छी खासी कंपनी है। और यहाँ पे नाथ बायोजेंस इज़ अनडाउटेडली अ पाइनियर सीड इन डेवलपमेंट एंड हैज़ बीन जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन कीपिंग फार्मर वेलफेयर एज द टॉप प्रायोरिटी। तो ये फार्मर को देख के ही, फार्मर के बारे में सोच के ही इन्होंने अच्छे क्वालिटी का अच्छे सीड्स अवेलेबल करती है, और सुपेरियर क्वालिटी सीड्स रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है सप्लाइंग सुपेरियर क्वालिटी सीड्स टू फार्मर एंड सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशियस यील्ड, ठीक है, जो भी खाद लगता है उसके लिए, प्लांट ग्रो होने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती है और ये इनका बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सीड्स बताए गए हैं इनके वेबसाइट पे, नाथ बायोजेंस अमंग द लीडिंग डेवलपर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सीड्स इन इंडिया, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है ये। और यहाँ पे इनके एक्सेलेंस इन नंबर्स देख लो, कितने नंबर्स में क्या इनके 10,000 सीड ग्रोवर्स हैं इनके, ठीक है, और 150 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के नाम जो होते हैं प्रोडक्ट्स है उनके 150 प्रोडक्ट्स है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख फार्मर कनेक्टेड है इनसे, इनके बिजनेस से, इनके कंपनी से। और यहाँ पे टेस्टिंग लोकेशन इन इंडिया कितने 30 टेस्टिंग के लोकेशन से जहाँ पे टेस्ट किया जाता है कोई भी सीड है, कोई भी खाद है जो अनाज के लिए उगाने के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर 30 ऐसे टेस्टिंग लोकेशंस है जहाँ पर ये टेस्ट करते हैं, फिर ही वो चीज़ फार्मर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके 1000 एकड़ में रिसर्च एरिया है, इतना बड़ा रिसर्च एरिया है 1000 एकर्स का, ठीक है, इतना बड़ा एरिया इनके लिए ओनली रिसर्च के लिए। और इनके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये गोरखनाथ का राइस कंज्यूमर ड्यू टू एक्सेलेंट कुकिंग क्वालिटी का ग्रेन जो बनाते हैं उसके लिए, ये जो अनाज है, बीज है, ये बीज है, ठीक है, ये सीड्स है ये सारे। और यहाँ पे भी ये कौन से है, खरीफ प्रोडक्ट के लिए LS ग्रेन जो भी है बनाने के लिए यूज़ होने वाले। और यहाँ पे सुपर 27
ये भी खरीफ सीजन के लिए है, हाईली सुटेबल फॉर फोडर एंड ग्रेन यील्ड। तो ये इनके प्रोडक्ट के नाम है। और ये यहाँ पे रुई कपास के लिए है। इनके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो 150 तक प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो लीडिंग है, ट्रेंडिंग है, वो सारे प्रोडक्ट के नाम है। ये पोहा के लिए है, ये राइस का ही है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स है, आप देखते रह जाओगे, इतने सारे इनके प्रोडक्ट्स है। ये टोमेटो के लिए बता रहा है, यहाँ पे भिंडी के लिए है। और ये फ्रूट्स कलर, अट्रैक्टिव फ्रूट कलर भी आ जाए वैसा इनके पास प्रोडक्ट से और सीड से, ठीक है। तो इतना अच्छा ये फार्मर के लिए अच्छे क्वालिटी का सीड्स प्रोवाइड करते, सुपीरियर क्वालिटी का सीड्स प्रोवाइड करते और कंपनी का अच्छा खासा प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। अभी हमने इसके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, थोड़ा कंपनी के बारे में जान लिया, ठीक। यहाँ पे देखो फार्मर्स के बारे में बताएं, अभी हम इसके शेयर्स के बारे में जानेंगे, इसका शेयर कैसा है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वो कैसा होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी करने से पहले उसके बारे में पूरा जांच परख करनी चाहिए, देखना चाहिए वो कैसा है कंपनी। तो यहाँ पे मैंने इसका वेब शेयर का मनी कंट्रोल के साइट पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अभी इसका हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे, मनी कंट्रोल पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे नाथ बायोजेंस, देखो यहाँ पे सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स में बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्राइस जो है 269 बता रहे हैं, ठीक है, आज का जो प्राइस है। और यहाँ पे ये लगभग लो के आसपास है, यहाँ पे देखो 233 लो है, तो 232 लो है इसका, और लगभग ये 52 वीक लो के आसपास आ चुका है, ठीक है। 30 या 40 रुपया गिर गया तो ऑटोमेटिकली ये इसके लो को भी तोड़ देगा, ठीक है। तो लो तोड़ने के बाद मतलब लगभग ये शेयर्स में मोमेंटम बहुत बाकी है, ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है ये शेयर्स। 473 का हाई था उसका, वहाँ से ये इतना गिर चुका है। अभी ये कंपनी में अच्छा खासा आपको नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसमें से सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो स्ट्रेंथ नज़र जिस कंपनी में आ रही है, मतलब सोच लो कि कंपनी अच्छी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो अच्छा ही न्यूज़ है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑलरेडी मैं तो इन्वेस्टेड हूँ। और इफ़ेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है, इफ़ेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इम्प्रूविंग, ठीक है। अभी ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल जो हमने लगाया है मार्केट में, मार्केट का जो कैपिटल है उसका अच्छा खासा ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ेक्टिवली यूजिंग, तो कैपिटल अच्छा खासा हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका अच्छा खासा ये लोग यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए, रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो ये सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है। अभी वीकनेसेस में जो टॉप पे, टॉप 5 वीकनेसेस में एक वीकनेसेस बताया ऊपर जो हमको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड नाम, मतलब वो पॉइंट है कौन सा है उसका, तो म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है उनका शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। अभी लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड तो इसमें से निकल गए कुछ, ऐसा नहीं कि सबके सब, कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ से उनका स्टेक थोड़ा बहुत निकाल रहे, डिक्रीज कर रहे देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग समझ लो, या फिर वो बहुत टाइम से इन्वेस्टेड रह गए। देखो म्यूचुअल फंड तो लॉस में तो नहीं निकालेंगे, उनको लगा कि अभी कैपिटल थोड़ा शिफ्ट करते या मार्केट अभी थोड़ा गिर रहा है तो यहाँ से थोड़ा ये शेयर गिर रहा है तो थोड़ा और नीचे आने के बाद फिर से म्यूचुअल फंड घुस जाएंगे। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं जो कि आप जैसी जनता, मेरे जैसी जनता या लोगों का सबका पैसा वो लेती है, फिर उस पर वो इन्वेस्ट करती है अच्छे अच्छे कंपनियों में और उसको मैनेज करती है और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करती है, उसमें से कुछ रिटर्न आपको देती है और कुछ खुद के लिए रखती है। तो खुद के लिए कम तो लेगी नहीं वो, उनको पता है कि मैंने फ़ंड को कैसे मैनेज करना है, आपको देंगी 20%, वो लेगी 80%,
तो या जैसे जो उनका वो आपको NPA डिसाइड करके देंगे उस हिसाब से NAV डिसाइड करके देंगे, NAV के हिसाब से आपको वैसा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे डिक्रीज किया है, इसका मतलब क्या है कि वो अभी थोड़ा जब नीचे आएगा तो फिर से एंट्री कर सकते हैं। ऑलरेडी शेयर तो कोई ख़राब नज़र नहीं आ रहा है जहाँ तक यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देख लो, 3 अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। क्या बता रहा है, राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे। अभी यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि डिलीवरी यानी शेयर्स खरीद के रखे जा रहे, बेचे नहीं जा रहे, तुरंत लिया आज के आज इंट्राडे करो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब लोगों को ट्रस्ट है कि इसको लेके रखो शेयर्स, अच्छा खासा शेयर नज़र आ रहा है और उसको लॉन्ग टर्म थोड़ा रखो, शॉर्ट टर्म के लिए रखो, इस टाइप में लोगों की भी सोच है। इसलिए वो डिलीवरी बेस पे ले रहे हैं, उसको डिलीवरी में मतलब 2 दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के लिए ले रहे हो और उनको भरोसा है कि ये कंपनी में ग्रोथ है, तो ये अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी, मतलब ये भी स्टडी होता है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेट नज़र आ रहा है, 2 थ्रेट हैं। तो 2 थ्रेट में से एक थ्रेट यहाँ पे बता रहे कौन सा, कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। नॉन कोर इनकम क्या होता है कि जो कोर बिजनेस है वो छोड़ के और कोई इनकम इनको आ रहा है, वो उसकी तरफ ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो उनको ये बिजनेस में थोड़ा सा डर माना जाता है कि जो मेन बिजनेस है उससे ज़्यादा अगर कोई और अदर इनकम आ रहा है या उस तरफ से दूसरी साइड से इनकम ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा थ्रेट माना जाता है, क्योंकि मेन कोर बिजनेस जो है उसी से आना चाहिए, जो कि इनका मेन कोर बिजनेस जो सीड का है उसी से आना अच्छा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू में क्या बता रहा है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल 512 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल कम होने से क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी समझ लो कि ज़्यादा है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलरेडी शेयर देखो भाव जो है 269 का है, मतलब 270 का भाव है और ऑलरेडी 473 से ये गिर चुका है, तो लगभग इसका मार्केट कैपिटल भी गिर ही चुका है, ठीक है। और इसमें और अपॉर्चुनिटी बाकी है, ये 1000 करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, या एक बार मार्केट कैपिटल उतना भी हो गया होगा फिर वहाँ से मार्केट जैसे शेयर गिरता है मार्केट कैपिटल भी कम ही होता है, ठीक है। तो फिर और इसका मार्केट कैपिटल बढ़ने के चांसेस भी है, आगे जाके और बढ़ सकती है। और डिविडेंड यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, तो डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, या देती भी रहेगी, हाँ डिविडेंड देती है बट वो परसेंटेज बहुत कम होता है। यहाँ पे 2 रुपया डिविडेंड दे रही है, तो यहाँ पे 1% से कम होने के वजह से यहाँ पे कभी कभी नहीं दिखाते। तो डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड ये देखो 18 अगस्त का डिविडेंड है, तो डरने की कोई बात नहीं, डिविडेंड देती है बट परसेंटेज कम होने की वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें देखो, फेस वैल्यू अच्छा है, मतलब अभी तक यहाँ ये शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी है। स्प्लिट आगे जाके स्प्लिट होते हैं तो आपके शेयर बढ़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म वालों के शेयर्स बढ़ जाते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेंगे उतने वो डबल हो सकते हैं, या जितना स्प्लिट होगा या 1 रुपया प्राइस होता है तो 10 गुना हो जाएंगे शेयर्स, ठीक है। और स्प्लिट का बेनिफिट बहुत लोगों को हो जाता है बाद में, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये अच्छी बात होती है। इसका PB देखो, PB रेशियो बहुत अच्छा है, प्राइस टू बुक रेशियो जो होता है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो वो भी अच्छा ही होना, ये जितना कम हो 1 रुपये के आसपास या 1 रुपये से कम हो तो उतना अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी PB इसका अच्छा है, तो प्राइस टू बुक मतलब इसका असेट विसेट सब कुछ ठीक है, प्राइस और ये असेट जो भी कंपेयर करेंगे तो सब कुछ इसका ठीक ठाक है। और यहाँ पे इसका हम देखेंगे बुक वैल्यू, यहाँ पे भी दिखाया है तो बुक वैल्यू का और यही चीज़ होती है, ठीक है, वो भी ठीक ठाक ही है, सब कुछ अच्छा है। और सेक्टर पी जो बता रहा है यहाँ पे 30 का बता रहा है, चलो पूरे सेक्टर का है। और ये इसका खुद का जो पी है, शेयर का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग है इसका 8.91 है, तो ये अच्छा खासा पी है इसका, लगभग 9 के आसपास है, तो पी भी बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है,
ठीक है, तो सस्ता है, इसी से माना जाता है कि इसका पी से ही लोग मानते हैं कि ये सस्ता होता है और अपॉर्चुनिटी बहुत होती है और ये वर्क भी करता है, तो इसलिए पी भी अच्छा होना चाहिए, पीबी भी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मार्केट कैपिटल भी अगर कम होता है तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है, उसमें चांसेस बढ़ने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, खाली टाइमिंग होता है कि कौन से टाइम पे हमको एंट्री करना चाहिए। अगर एग्जिट करने का मन करे कि ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है और थोड़ा बहुत लेने का रहेगा तो ले सकते हैं हम। तो ऑलरेडी ये चीज़ें मेरे चैनल पे तो आपको मिलेगी ही, पता चलेगी कि कौन से टाइम पे मैं एग्ज़िट करता हूँ, कौन से टाइम पे एंट्री करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एंट्री किया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एग्ज़िट जिस दिन करूँगा उस दिन भी मैं वीडियो लाऊँगा कि ये शेयर में से मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, तो वो भी आपके लिए सामने आ जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, खाली चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ठीक है, उसमें घाटा होने वाला तो नहीं है। ऑलरेडी जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वही आप भी प्रॉफिट कमा लोगे, खाली क्वांटिटी डिफरेंस रहेगी, मेरे पास शायद ज़्यादा होगी या आपके पास भी ज़्यादा हो सकती है। तो बट मैंने थोड़ी थोड़ी करके लिए, मैंने कभी भी एकदम से कभी शेयर्स ज़्यादा लेता नहीं हूँ, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ खरीदता हूँ, क्योंकि मार्केट जितना गिरे उतना अच्छा रहता है, गिरते टाइम पे मैं ख़रीद लेता हूँ, फिर बाद में उसको बढ़ने देने का, आराम से वो बढ़ते रहेगा और प्रॉफिट हमको देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके हम ट्रेंड देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं कि किस तरीका का चार्ट है इसका। तो इसका पहले वन मंथ का चार्ट देखते हैं, इसका वन मंथ का चार्ट देखो कितना अप एंड डाउन है। तो ये वन मंथ में जो चार्ट में जो मोमेंटम आया है, ये देखो यहाँ पे एक तगड़ा मोमेंटम आया था बीच में 1 नवंबर के टाइम पे, फिर यहाँ पे डाउन आया। मतलब इस ये सोच लो कि स्विंग ट्रेडर के लिए तो बहुत अच्छा शेयर है, बट लगभग जो छोटा मोटा ट्रेड करते रहेंगे 5-6%, 7-8%, 10% के लिए, वो स्विंग ट्रेडर के लिए ठीक है। और जो बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट और थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चलता हूँ, मैं मिनिमम तो 21% लेने की ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई लोग म्यूचुअल फंड साल भर में 21% देते, 22% देते या 20% देते या 10-12% देते, तो मैं तो 1-2 या 3 महीने के अंदर भी 20-21 भी कमा लूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। इसलिए मैं उतना ही मेरे लिए काफ़ी समझता हूँ। कभी कभी वो टारगेट 1 हफ्ते में भी हो जाता है, 1 महीने में भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि 20% का कभी कभी कोई शेयर सर्किट मार देते हैं, तो अगर हम 2-3% भी प्रॉफिट में तो और थोड़ा 20% भी बढ़ जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाता है। तो इसीलिए कभी ना कभी ऐसे शेयर्स में आ जाते हैं और वो वही टाइम मेरे लिए सही लगता है कि अभी तो मुझे निकलना चाहिए, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, और फिर नीचे आता है तो फिर एक बार ख़रीद लेता हूँ। तो ये तो स्ट्रैटेजी है मेरी और इसी यही मेरे लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लगती है। नहीं तो देखो आजकल कितना मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, नहीं तो हमारे जैसे या कोई भी नॉर्मल जनता है वो फंसी की फंसी रह जाती है, शेयर्स में अटक जाते हैं, फिर उनको निकलने का मौका नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि चलो कल मार्केट बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर मार्केट जल्दी बढ़ता नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑपरेटर उनके हिसाब से जब तक उनका माल पूरा बिक नहीं जाता तब तक वो बेचते रहते हैं, और बेचारे जो छोटे इन्वेस्टर है वो डूबते रहते हैं। ठीक है, और वो कमाते रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर कमाते रहते, छोटे वाले डूबते रहते, लॉस करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको लॉस नहीं करना है, तो स्टेबल रहना है, तो अच्छी कंपनी पकड़ के बैठो। जब गिरा रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शेयर को गिरा रहे, तो थोड़ा खरीद दो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, यही मौका रहता है खरीदने का। फिर उसको थोड़ा होल्ड करो, फिर से वो वही लोग बढ़ा देंगे, टेंशन लेने की, क्योंकि उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर उनको वो शेयर फिर से नीचे मिलता है, फिर वो फिर से खरीदते, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो यही मार्केट में होता है और मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता रहता। इसमें इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर कमाते भी है, लॉस भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो किस्मत पे उनका कब कैसा सामने वाला कैसे चले, स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के लिए भी बड़े लोग बैठे हैं, जो स्टॉप लॉस हिट करा के लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ही वो बैठे रहते हैं, और हिट करा के अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट है, कोई ना कोई प्रॉफिट करेगा, कोई ना कोई लॉस करेगा। तो आपको प्रॉफिट करना है तो थोड़ा रुको, आराम से शेयर ट्रेडिंग करते रहने का, आराम से, या थोड़ा इन्वेस्ट करके रखो, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट से पैसा लोगों ने, बहुत लोगों ने कमा के रखा है, तो वैसा बनाओ, या शॉर्ट टर्म ट्रेड करो,
ट्रेडिंग का ही शौक है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे अच्छे शेयर या पोर्टफोलियो ट्रेड करो। ट्रेड ही करना है तो पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर लो, अगर बढ़ता है थोड़ा बहुत बेचने का मन करे तो बेचो, फिर नीचे आता है तो फिर खरीदो। इस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज़ करो जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अच्छे अच्छे न्यूज़ अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में आपको पता चलते रहेगा और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपका माइंड भी पॉजिटिव ही रहेगा शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं तीन महीने का देख लेता हूँ चार्ट। तीन महीने का भी चार्ट देखो कि यहाँ पर भी अप बहुत बड़ा, यहाँ पे देखो बड़ा एकदम 31 अगस्त का जो कैंडल दिख रहा है उसके बाद ये बहुत ऊंचा भागा ये, ठीक है, हाई मारा इसने यहाँ से, अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है ये, कभी एकदम बहुत तेज़ी से भागता भी है फिर यहाँ से गिरता है, मतलब ये ऐसे ट्रेडर के लिए ही सही है। बाद में देखो वहाँ से ये गिरते 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 यहाँ तक आके गिर गया, तो इस तरीके का ये शेयर है, इसमें बहुत सारी मोमेंटम आती रहती है। और यहाँ पे 6 महीने का चार्ट देख लो, यहाँ तो डाउनवर्ड ही दिख रहा है, नीचे साइड ही जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, पहाड़ से ऐसे गिरते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 1 साल का चार्ट देख लो, पहाड़ बना दिया है, यहाँ पे पहले ऊपर चढ़ो फिर यहाँ से ही नीचे गिरा, ठीक है, तो और ये लेवल तक आके रुक गया। ये जो लेवल है यहाँ पे जो फेब्रुआरी में था और जो यहाँ पे जो लेवल था, ठीक है, 1 साल पहले जो लेवल था उसी के आसपास यहाँ के रुक गए, ठीक है, मतलब हमने देखा कि 52 वीक लो के आसपास आ चुका है और ये हमने ऊपर भी हमने देख लिया जब प्राइस देख रहे थे तब, ठीक है। तो 1 साल का भी इसका चार्ट हमने देख लिया तो 1 साल में भी अच्छा खासा एक बार बढ़ चुका था, जब वो टाइम पे लोग निकल गए वो लोग थोड़ा हैप्पी रहेंगे कि सही टाइम पे निकले, फिर यहाँ पे जो बाद में इन्वेस्ट करते रहे रहेंगे बीच में मौका मिलता है तब निकले रहेंगे छोटा छोटा प्रॉफिट लेके, नहीं जो निकले अगर वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके भी रखे रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और शेयर पहले देख लेना चाहिए कितना अप एंड डाउन करता है, ऑलरेडी ये शेयर है ना बहुत अप एंड डाउन कर रहा है, यहाँ पर भी ये पहले भी देख लो, यहाँ पे अप आया फिर डाउन आया फिर अप हुआ फिर डाउन आया, ऐसे कर करके ही बढ़ा हुआ है, तो उतना पेशेंस जिसमें रहेगा वही उसी ने कमाया लिया रहेगा। और ये रिस्की ट्रेडर के लिए ही शेयर दिख रहा है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट थोड़ा अभी डाउन में है तो यहाँ पे अब भी वैसी स्पीड में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे, तो 5 साल के चार्ट में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 साल का चार्ट भी देखो, यहाँ पर भी कितना स्पीड में ऊपर गया ये, ठीक है, 2016 से ये कंपनी 2017 से कंपनी है, दिसंबर से है जब ये मार्केट में आई थी, मतलब 4-5 6 साल ही हुआ है ये कंपनी को आके, और उसके बाद देखो कितना स्पीड से ऊपर गई, ठीक है, और 600 और वहाँ पे प्राइस जो नज़र आ रहा है यहाँ पे 500 550 के आसपास नज़र आ रहा है, 550 के आसपास, ठीक है, 560 561 दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ से फिर गिरता है, फिर 450 फिर से उठ जाता है, फिर 539 575 का भी हाई दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ से फिर डाउन आता है, फिर इसमें देखो कितने अप्स एंड डाउन बहुत है ये शेयर्स में। फिर एक बार एक टाइम पे 2020 में बहुत तगड़ा गिर चुका था, 128 का लो तक था, जब ये रहेगा कोरोना का टाइम था और वो टाइम पे लोगों ने लिया रहता, फिर से उनको यहाँ पे एक अच्छा खासा हाई दे देता, 416 यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 400 का प्राइस दिख रहा है, देखो 4 गुना तो रिटर्न दे देता। इसीलिए इन्वेस्ट करने को मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब मार्केट अच्छा कोई शेयर है और शेयर में दम लगता है तो शेयर गिरता भी है फिर वैसी स्पीड में उठता भी है, तो हमको लेना कौन से टाइम पे ये आपको पता होना चाहिए कि जब ये गिरा हुआ है तब लो और तभी अच्छा खासा प्रॉफिट। यहाँ पे हाई पे टॉप पे कभी मत लो, गिरने दो 10% 20% ऐसे शेयर को ज़रा ज़्यादा गिरने दो फिर लेते जाओ, ठीक है, फिर लो भी तो एकदम से मत लो, थोड़ा ले लो, 1 लाख रुपए या 50,000 भी है तो 10,000 के ले लो या 5,000 के शेयर्स ले लो या 2-3,000 के शेयर्स ले लो फिर 2-3,000 के ले लो, इस टाइप में लोगे तो ही प्रॉफिट में कमा सकते हो।
नहीं तो थोड़ा लॉस होगा, बट गिरने गिरने पर ख़रीद लेना, ठीक है। और यहाँ पर फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर देखो फिर यहाँ पे एक फिर से एक अपसाइड आया, ठीक है। ये नवंबर का है, ये मई का है, और यहाँ पे ये मई का है, 31 जून का है, यहाँ पे 7 जून का है। तो यहाँ से फिर यहाँ अभी गिर चुका है। तो 5 साल का भी यहाँ पे चार्ट हमने देख लिया कि ये लगभग 125 का जो लो दिखा रहा है वहाँ से ये भाग के अभी 2-2.5 गुना ही है 5 साल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा भी और नीचे भी गिरा। अभी यहाँ पे इसका मैक्स वाला चार्ट देखेंगे, तो मैक्स वाला में भी यहाँ पे 2015 की कौन सा चार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, मैक्स मतलब कब से कितनी पुरानी कंपनी। तो यहाँ पे जो चार्ट में नज़र आ रहा है हमको, ये 2014 से मतलब 6-7 साल तो हो ही चुके हैं कंपनी को। तो वहाँ से ये कंपनी देखो मतलब जब ओपन हुई थी तो 22-23-24 का जो प्राइस था, वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। फिर 2014 से फिर यहाँ पे आके एक बार डायरेक्ट 565 का जो मैंने बताया था, 2014 से मतलब 4 साल में 24 रुपये से सोच लो 560 तक जाता है कोई शेयर, तो कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है किसी को भी। तो ये भी होता है, कमाल होता है किसी किसी कंपनी में। तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट जिसने किया बट बाद में भी और भी गया, फिर बाद में ज़्यादा लालच नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों ने प्रॉफिट, कोई यहाँ पे निकल गया, कोई यहाँ पे निकल गया, कोई वहाँ पे, निकलना भी ज़रूरी होता है कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो निकलना भी ज़रूरी होता है। जब तक कंपनी में पोटेंशियल है, उसका फाइनेंशियल अच्छा दिख रहा है, तब तक रहो। फिर थोड़ा बहुत खराब भी निकल दिखता है तो थोड़ा निकल जाओ, या पूरा का पूरा भी निकलने पे कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो निकलना अच्छी होशियारी होती है, समझदारी होती है, तो निकलना भी चाहिए। फिर ये वहाँ से फिर देखो कितना गिरा है, फिर अभी जो प्राइस देख रहे हो, अभी का जो प्राइस है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो मैक्स भी देख लिया हमने, कितना क्या परफॉर्मेंस क्या रहा है ये शेयर का। अभी हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखो प्राइस परफॉर्मेंस में भी बहुत ख़राब इसका प्राइस परफॉर्मेंस है। 1 वीक का भी देख लो, 1 मंथ का भी ख़राब है, 3 महीने का भी, और पूरे जनवरी से अभी तक भी कुछ रिटर्न यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, दिया नहीं है। और पूरे 1 साल के अंदर भी इसमें कुछ लगभग चलो दिया है तो 2% का, जो 2-2.5% का रिटर्न है, क्या उसमें कोई बड़ी बात नहीं 2-2.5% का रिटर्न में। और 3 साल का रिटर्न देख लो लगभग 30% या 28-28% तक ये डाउन में है। तो मतलब जिसने भी इन्वेस्टर है उनको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है 2-3 साल से, ठीक है। इसीलिए अभी तो प्रॉफिट करेगा और जंप आता है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिल सकता है इसके अंदर, और ऑलरेडी डाउन है और बाकी सारी चीज़ें स्ट्रेंथ दिख रही है, अच्छा खासा दिख रहा है, इस वजह से इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट बताया है अगस्त का न्यूज़ है, ये 10 अगस्त को न्यूज़ आया था। जो जून का स्टैंड प्रॉफिट बता रहा है, सेल्स बता रहा है, नेट सेल्स यहाँ पे 214 करोड़ का है जो 11% से अप है। वही अभी तक का रिज़ल्ट उन्होंने दिखाया है, जून क्वार्टर का, जून का रिज़ल्ट यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे फोरम जो जनता इस ये शेयर के बारे में बोल रही है कि 100% बाय करो, देखो जनता ने उसको पूरा ग्रीन सिग्नल, कम्प्लीटली ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और बाय करके चलो ये बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो ब्लॉक डील से, ये पुराने डील से, नई डील्स नहीं, बल्क डील में भी यहाँ पे बल्क डील हुई है, किसने कितना क्या लिया है वो सारी चीज़ें हैं। बिरला सनलाइफ ट्रस्टी कंपनी ने जो 31 अगस्त को ये इतने शेयर क्वांटिटी परचेज की थी, और आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड ने इतना सेल किया था, ठीक है। एक ने बेचा, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा नाम में डिफरेंस है, कोई बेचता है कोई खरीदता है, सेम क्वांटिटीज़ रहती है या थोड़ी डिफरेंट क्वांटिटीज़ रहती है। तो ये बल्क डील है, बड़े बड़े डील्स है और क्वांटिटीज़ भी देखो बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन से, अभी का 19 नवंबर का है जो प्रमोटर ने मार्केट सेल किया है मार्केट में, तो ये इस वजह से भी शेयर्स गिर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
एक्विजिशन का भी न्यूज़ है, जो किसी ने एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, तो ये सारे इसके अंदर इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे शो करते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका फाइनेंशियल देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, आगे कंपनी कैसी रहेगी। तो रेवेन्यू तो देखो, इसका चार्ट देख लो कैसे बढ़ते हुआ नज़र आ रहा है, तो रेवेन्यू के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2017 में 169 करोड़, फिर 2018 में 191 करोड़, फिर 2019 में 230 करोड़, 2020 में 279 करोड़ और 2021 में 307 करोड़। इतना अच्छा खासा रिटर्न है, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, रिटर्न नहीं, रेवेन्यू है इसका। ठीक है, कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, सेल कर रही है, तो अच्छा खासा और प्रॉफिट भी है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी, अब भी तो तुमको तो आग बंद करके इस पर पैसा लगाना ज़रूरी है। मैं लगा चुका हूँ, आपको भी लगाना है, बिंदास लगाओ यार। कोई प्रॉफिटेबल कंपनी क्या आपको घाटा करके देगी क्या? इतना तो समझ लो, कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, आराम से बैठ जाने का पैसा लगा के, अब भी नहीं खरीदोगे कि हाई पे जाके खरीदो, कि अब भी खरीदने का मौका है, खरीद लो। थोड़ा थोड़ा चाहिए तो डर लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, और डाउन आता है तो और थोड़ा खरीद लेना। बट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है शेयर, और ऑलरेडी मैं भी जब जब शेयर्स गिरते हैं तो मैं खरीदते जाता हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जितने गिरेगा उतना मेरे लिए खुशी भी होता है, और बढ़ता है तो लगता है कि कब वो शेयर बेच के प्रॉफिट ले लूँ। प्रॉफिट लेने में भी बहुत मज़ा आ जाता है, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी मुझे अच्छा लगता है, और ये चीज़ करने में मैं हैप्पी रहता हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ों से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ, और मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ है या लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट स्ट्रैटेजी है यही, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं करूँ तो मैं लोगों को भी ना बताऊँ, कि मैं लोगों को एडवाइस भी ना करूँ, ना किसी को बताऊँ कि कोई कंपनी कैसी है क्या है। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, मतलब कोई भी मेरे स्ट्रैटेजी यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकता है, तो इसलिए। और यही चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिलती जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई घाटा तो होने वाला नहीं ना। मैं प्रॉफिट में हूँ तो आप क्यों घाटे में जाओगे। ठीक है, तो हाँ, मार्केट में अप डाउन होते रहता है, बट स्ट्रांग रहना है। जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को भरोसा है, वैसे आपको भी भरोसा होना चाहिए, चैनल पे भरोसा होना चाहिए, मेरे इन्फॉर्मेशन पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, या आपको जिधर जहाँ भरोसा होता है वहाँ पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी इसका प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 55 करोड़ की है अभी तक की, जो 2021 और 2021 अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो तब तक इसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है। और क्या चाहिए आपको किसी कंपनी से, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, डिविडेंड भी देती है, कम तो कम लेकिन देती तो है। और यहाँ पे देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में ये कंपनी, इसका प्रमोटर्स ने सबसे ज़्यादा, प्रमोटर्स से ज़्यादा भी और किसी ने लिया है, लेकिन प्रमोटर्स के पास 41% है। 41% कंपनी के शेयर्स प्रमोटर के पास है। उसके बाद देखो पब्लिक ने सबसे ज़्यादा, पब्लिक ही समझ लो ऑनर है ये, कब पब्लिक ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया इस पे। पब्लिक आपके जैसी मेरे जैसी पब्लिक ने इसके शेयर्स बहुत लेके रखे हुए हैं, तो पब्लिक ही इसकी ऑनर है समझ लो। पब्लिक के पास इसके शेयर्स बहुत है, और पब्लिक भी स्मार्ट है आजकल की। ठीक है, और डीआईएस के पास भी देखो, डीआईएस ने भी इसमें हाथ डाला है। बाकी डीआईएस भी लगभग डीआईएस कौन होते, बड़े इन्वेस्टर होते अपने इंडिया के, उन्होंने भी अच्छा खासा इसमें हाथ डाल के रखा है, पैसा डाला हुआ है। और यहाँ पे एफआईएस के हाथ में कुछ 0.01% शेयर हाथ में लगे, बाकी सब पब्लिक ने और डीआईएस ने खरीद के रखा है। मतलब फॉरेन के लोगों को तो लेने ही नहीं दिया, थोड़ा बहुत मिला है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उनको शेयर्स मिले हैं। बाकी म्यूचुअल फंड को, 9 म्यूचुअल फंड की स्कीम है इसके अंदर, 9 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है। ठीक है, और यहाँ का एक ये भी देख लो चार्ट पे, यहाँ पे जो ग्रीन बताता है वो होता है प्लेज, और जो ये है वो होल्डिंग होता है। तो ये प्रमोटर की इतनी होल्डिंग है, उसमें से इतना परसेंटेज तो गिरवी रखा है। तो गिरवी रखना मतलब थोड़ा टेंशन वाला काम रहता है, बट ये कब का है, 2020, फिर यहाँ पे दिसंबर 2020 में भी ये इतना परसेंटेज गिरवी था। पहले 36 था, फिर थोड़ा बढ़ गया, 40% तक तो गिरवी रखे थे शेयर्स। अभी गिरवी कहाँ रखते, बैंकों के पास रखते हैं। ठीक है, कल लोन के लिए, कर्जे के लिए, पैसे के लिए, तो शेयर्स गिरवी रखे थे। अभी भी ये प्लेज है,
2021 में मार्च तक 41% तक था। मतलब पूरे के पूरे सोच लो कि शेयर्स गिरवी ही रख दिए थे इन्होंने। यहाँ पे देख लो अभी पूरे के पूरे, फिर उसके बाद कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में यहाँ पे देखो गिरवी रखे हुए शेयर्स 15% हो गए, ठीक है, 15% तक गिरवी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही कंटिन्यू है, मतलब जून और सितंबर के इसमें अभी तक जो लोन लिया रहेगा या वो भी चुका के शेयर्स थोड़े रिलीज कर दिए उन्होंने, और जो गिरवी रखे थे प्रमोटर ने वो अनचेंज है अभी यहाँ तक है। तो अच्छा खासा ये इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो प्लेज रख रहे तो कुछ ना कुछ जो लोन से लायबिलिटीज है इन पर और जो इनके प्लान्स है उसके वजह से भी ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लान्स रहते हैं, तो उस वजह से भी लोन लेते और शेयर्स गिरवी रखते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है, और थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है, बट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल्स अच्छा है, इसका इनकम अच्छा आ रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें अच्छी है। तो एक दो ख़राब हो सकती है, कोई भी किसी इंसान में भी होती है और हर चीज़ में होती है, कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट मेजॉरिटी साइड कौन सी साइड की है, किस तरफ झुक रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए आप भी इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल नया है तो सपोर्ट करो और चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर सकते हो। अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो आपके लिए लाने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है। कोशिश करते अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाए, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाए, और जैसे मैं प्रॉफिटेबल हूँ वैसे आप भी प्रॉफिटेबल हो, यही मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।